तैयार है हमारा एकदम डिलीशियस और लाजवाब पिज़्ज़ा बनकर। इसको मैंने बिना किसी मैदे के, बिना ईस्ट के बनाकर तैयार किया है। आप भी इसको बिल्कुल इसी तरीके से बना सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आप भी इसी तरीके से पिज़्ज़ा घर में बनाकर बच्चों को और बड़ों को खिला सके। सबको पिज़्ज़ा खाना बहुत ही पसंद होता है और आप भी इसको इजीली घर में बना सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना पिज़्ज़ा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है, एक कटोरी गेहूं का आटा लिया है। अब इसमें हम सेंटर में होल बनाएंगे, थोड़ी स्पेस बनानी है हमें। यहाँ पर मैंने एक चम्मच ये पिसी हुई चीनी ली है, या आप इसको बुरा भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर आधा चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है। इसमें अब थोड़ा सा बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, एक चौथाई चम्मच। एक चौथाई चम्मच ही इसमें हम ऐड करेंगे बेकिंग सोडा। अब इसको मिक्स करेंगे हाथ से, इस तरीके से। आपको देखिए इसको मिक्स करना है, इसमें कोई गांठे ना हो, कोई लंग्स ना हो। अब यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर पर दही मैंने ली है, ये नॉर्मल टेम्परेचर पर थी। धीरे धीरे इसमें मिक्स करेंगे और इसको एक डो बनाएंगे। इस तरीके से आपको थोड़ी थोड़ी दही डालनी है। आपका जो डो है वो ना ज्यादा हार्ड हो ना ज्यादा सॉफ्ट हो, बिल्कुल इसी तरीके से देखिए इसको मिक्स करना है। ये डो की फॉर्म में आ गया है। यहाँ पर एक कटोरी दही हमारी लग गई है, ये देखिए। इस तरीके से हम डो को तैयार कर लेंगे। अब इस डो को हम थोड़ा सा घी से ग्रीस करेंगे, हल्का सा। मैंने हाथ पे देखिए ऑयल अप्लाई कर लिया है। इस तरीके से हम आटे पे इसको लगा देंगे ताकि जो आटा है वो बर्तन में चिपके नहीं, और इसको फर्मेंट होने के लिए रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। अब हमने यहाँ पर देखिए गैस पर कढ़ाई रख ली है, नॉर्मल जो सॉल्ट हम खाते हैं वही सॉल्ट मैं यूज़ कर रही हूँ बेकिंग के लिए। यहाँ पर स्टैंड लगा दिया है, गर्म होना रख दिया है। यहाँ पर देखिए आटा भी फर्मेंट हो गया है, हल्का सा इसको हम फिर से ऑयल लगाएंगे ताकि जो आटा चिपक गया है वो भी इससे अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ पर आटा हमारा तैयार हो गया है पिज़्ज़ा बेस के लिए। इसमें मैंने कोई ईस्ट नहीं यूज़ किया है। अब यहाँ पर देखिए रोलर बोर्ड ले लिया है मैंने, थोड़ा सूखा आटा लगा लेंगे, गेहूँ का ही आटा, इस तरीके से। अब रोलर बोर्ड पर हम पहले इसको ऐसे करेंगे। अब रोलर पिन की हेल्प से देखिए इसे हमें रोटी की तरह बेलना है, जैसे नॉर्मल हम घर में रोटी बेलते हैं उसी तरीके से इसको हमें बेलना है। ये देखिए, अभी मैं आपको इसकी थिकनेस भी दिखाऊंगी कि कितना थिक होना चाहिए। अब पहले हम इसको किनारों से अच्छे से सेट कर लेंगे ताकि ये हर जगह से इक्वल दिखाई दे। ये देखिए फिर से मैंने इसको बेल लिया है, ये देखिए इतनी इसकी थिकनेस होनी चाहिए, इससे ज्यादा थिक ना हो वरना कच्चापन आएगा। अब फोक लिया है मैंने, फोक से आपको इस तरीके से इसमें प्रेस करना है ताकि जो हमारा पिज्जा बेस है वो अच्छे से बनकर तैयार हो जाए। अगर आप इस तरीके से फोक से नहीं इसमें छेद करेंगे तो ये रोटी की तरह फूल जाएगा, तो इसीलिए हम इसमें फोक की हेल्प से इस तरीके से छेद करते हैं। यहाँ पर देखिए बेस तैयार हो गया है, अब हम इसको सेकेंगे। यहाँ पर देखिए जो कढ़ाई हमने ली थी यहाँ पर गर्म हो चुका है। अब इस तरीके से एक नॉन स्टिक प्लेट ली है मैंने, इस पे थोड़ा सूखा आटा डाल दिया है। अब इस पर हमने जो ये बनाया है पिज्जा बेस इसको हम सेकेंगे। ये देखिए एक तरफ से सिक गया है, दूसरी तरफ से हमें ज्यादा इसको नहीं सेकना है, बस थोड़ा ही सेकना है, क्योंकि जब हम पिज्जा बनाएंगे इस चीज जब इसमें डालेंगे तो वो क्या है ज्यादा पक जाएगा। अब ये देखिए तैयार हो गया है पिज्जा बेस। अब इस पर हम पिज्जा सॉस लगाएंगे, सबसे पहले इस तरीके से अप्लाई कर देंगे। अब इसमें हम चीज ऐड करेंगे, चीज आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक कटोरी चीज लिया है। अब मैं इसको इस पैन में ट्रांसफर कर रही हूँ क्योंकि हम इसको पैन में ही बना रहे हैं बिना माइक्रोवेव के।
आप इसको पैन में किस तरीके से बना सकते हैं वो भी आप देखिएगा। ये देखिए मैंने चीज डाल दिया है इस पे पहले थोड़ा, अब इसमें हल्का ऑयल डाल दिया है। अब इसमें हम ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम और रेड और येलो पेपर इस तरीके से सजाएंगे। जो भी आपके पास इजली वेजिटेबल हो और जो आपको खानी पसंद है पिज़्ज़ा में वो आप ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं अनियन से इसको डेकोरेट करूँगी। अब यहाँ पर मैंने देखिए कुछ पनीर के टुकड़े लिए हैं, इससे मैं इसको गार्निश करूँगी। आप घर में इजली बच्चों को बना कर खिला सकते हैं हेल्दी और टेस्टी बिना मैदे का पिज़्ज़ा। यहाँ पर देखिए बच्चों को कॉर्न बहुत पसंद होते हैं तो मैंने इसमें कॉर्न भी ऐड किए हैं। इस तरीके से आप भी चाहें तो इसमें कॉर्न ऐड कर सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं डालूंगी चीज़। इस तरीके से हमें चीज़ को डालना है। आप घर में कोई पार्टी है, कोई फंक्शन है, उसमें भी इजली इस रेसिपी को बनाकर, बच्चों की किड्स पार्टी हम रखते हैं उसमें भी आप इस रेसिपी को बनाकर खिला सकते हैं। बहुत ही अच्छी बनती है और झटपट बनकर तैयार हो जाती है। ये देखिए अब बची हुई जो वेजिटेबल्स रह गई थी वो भी मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ। ये देखिए अब इसमें मैं डालूंगी ऑर्गेनोस इस तरीके से, एक चौथाई चम्मच के आसपास मैंने ऐड किया है, स्प्रिंकल किया है। यहाँ पर देखिए मैं रेड चिलीज भी इस पे स्प्रिंकल कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको रख सकते हैं। अब हम इसको देखिए तैयार कर लिया है। अब इसको हम गैस पर 1 से 2 मिनट के लिए ही रखेंगे, ज़्यादा देर रखेंगे तो जो हमारा बेस है वो जल जाएगा, इसलिए मीडियम, लो टू मीडियम फ्लेम पर आप इसको 1 से 2 मिनट में पका लेंगे। ये देखिए पिज़्ज़ा हमारा बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है, लग रहा है ना कितना टेस्टी और कितना डिलीशियस। इसको पीसेस में कट करते हैं। पिज़्ज़ा खा रहा हूँ, बना रहा हूँ मैं। इस तरीके से कट लगाएंगे। आदि भी बहुत देर से इसकी वेट कर रहा था तो उसको भी हम पिज़्ज़ा खिला देते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें ताकि आपके लिए मैं ऐसी वीडियोस लेकर आती रहूं। थैंक यू।